एंजाइम का केमिकल नेचर क्या होगा, ठीक है। तो एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस नेचर, प्रोटीन के बने होते हैं विद वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट। जो एंजाइम होते हैं हमारे तैयार प्रोटीनेशियस नेचर, प्रोटीन के मतलब प्रोटीन के बने होते हैं अमीनो एसिड्स के, तो एंजाइम्स बेसिकली हमारे प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, ठीक है। हम एंजाइम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। सिंपल एंजाइम्स कौन से एंजाइम होते हैं? सिंपल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन्स। जो एंजाइम्स या प्रोटीन से बने होंगे उन एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? सिंपल एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंड कैटेगरी है हमारे पास कॉन्जुगेट एंजाइम्स। कॉन्जुगेट एंजाइम्स का क्या होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। मतलब कॉन्जुगेट का मतलब दो चीजें क्या होगी आपस में एसोसिएशन में होगी। तो कॉन्जुगेट एंजाइम में क्या होगा? एक प्रोटीनेशियस पार्ट होता है और उसके साथ एसोसिएटेड एक नॉन प्रोटीन पार्ट का जरूर होता है, ठीक है। तो जो कॉन्जुगेट एंजाइम है उसमें प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एको एंजाइम। और नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को क्या बोलते हैं? को एंजाइम या प्रोस्टेटिक ग्रुप। जो हमारा कॉन्जुगेट एंजाइम है उसमें दो पार्ट होते हैं, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम एको एंजाइम बोलते हैं और जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है उसे हम को एंजाइम या प्रोस्टेटिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एको एंजाइम प्लस को एंजाइम मिला के क्या बताता है? होलो एंजाइम का स्ट्रक्चर। तो होलो एंजाइम क्या होता है? एको एंजाइम प्लस को एंजाइम। एको एंजाइम क्या है आपका? प्रोटीनेशियस पार्ट। और को एंजाइम क्या है आपका? नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, ठीक है। एको एंजाइम क्या होता है? द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज नोन एज एको एंजाइम। एको एंजाइम हमारा क्या है? प्रोटीनेशियस पार्ट है आपके एंजाइम का। इट इज मेड अप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, क्योंकि हमारे प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड्स के। इट इज मेड अप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड एंड कंटेन द एक्टिव साइट। जो आपका एको एंजाइम होता है उसपे एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है। एक्टिव साइट क्या होती है? वो साइट जिसपे आपका सब्सट्रेट मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है, ठीक है। होल पार्ट ऑफ द एको एंजाइम डज नॉट रिएक्ट। आपका एको एंजाइम जो होता है वो सारे का सारा पार्ट जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता। कौन सा पार्ट रिएक्ट करता है? जिसमें से एक्टिव साइट जो आपकी एको एंजाइम के ऊपर प्रेजेंट होती है। ओनली द एक्टिव साइट प्रेजेंट इन द एको एंजाइम पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। एक्टिव साइट कौन सी साइट होती है? जिसपे आपके आपका सब्सट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड करता है, वो किसमें प्रेजेंट होती है? एको एंजाइम में। एको एंजाइम प्रोटीनेशियस पार्ट होता है आपके एंजाइम का, ठीक है। तो एक्टिव साइट क्या होती है? द साइट टू विच द सब्सट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड टू द एंजाइम। वो साइट जिसपे सब्सट्रेट मॉलिक्यूल आपके एंजाइम से बाइंड करता है उस साइट को क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। इट इज एक्सट्रीमली स्पेसिफिक। इसके लिए स्पेसिफिक होती है, सब्सट्रेट के लिए स्पेसिफिक होती है कि एक पर्टिकुलर सब्सट्रेट ही इस एक्टिव साइट पे जो है आगे बाइंड करेगा, ठीक है। ये लॉकिंग की हाइपोथेसिस पे चलते हैं कि हर एक सब्सट्रेट जो है एंजाइम की एक्टिव साइट है वो सब्सट्रेट के लिए स्पेसिफिक होती है, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारा इसका कॉन्जुगेटेड पार्ट ऑफ द एंजाइम, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन के खत्म होने के बाद चेंज कर देता है। इट इज ऑर्गेनिक पार्ट एंड बाउंड टू द एंजाइम टू कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जो आपका को एंजाइम वाला पार्ट होता है वो एंजाइम की एक्टिविटी से रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो आपका एको एंजाइम पे एक्टिव साइट होती है वो सब्सट्रेट के साथ बाइंड करती है। एको एंजाइम आपका प्रोटीनेशियस पार्ट और को एंजाइम आपका नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, ठीक है। ये डायग्राम है, जैसे ही आपका एंजाइम है इसके ऊपर ये एक्टिव साइट प्रेजेंट है, ये सब्सट्रेट ये इसकी जो एक्टिव साइट है वो सब्सट्रेट के साथ कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इनकी सिमिलर होती है, ठीक है। सब्सट्रेट स्पेसिफिक होती है, ऐसी ही कॉन्फ़िगरेशन वाला एंजाइम जो सब्सट्रेट है वो इस एक्टिव साइट के साथ क्या करेगा? बाइंड करेगा, ठीक है। प्रोडक्ट और जो आपका एंजाइम है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका एंजाइम होता है वो रिएक्शन में यूज़ नहीं होता, वो सिर्फ रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, उससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है और आपका एंजाइम